बड़ी खबर का जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की उदयपुर में ये बड़ी कार्रवाई देख के एक दलाल को गिरफ्तार की है। तो एक बड़ा अमाउंट लिया जा रहा था रिश्वत के तौर पर और 12 लाख रुपए लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दलाल गिरफ्तार हुआ, बड़ी कार्रवाई अंजाम, डीएच के एक दलाल को गिरफ्तार किया गया है। कुल 12 लाख की रिश्वत लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। तो अभी आखिर ये रिश्वत क्यों ली जा रही थी, इसे लेकर होगा ये खबर भी। तो लगातार एसीबी की ओर से प्रदेश भर में कार्रवाई जारी है और जयपुर एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ी कार्रवाई, 12 लाख रुपए लिए जा रहे थे, क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है एसीबी की टीम की ओर से? श्री राठौड़ उनके निर्देशन में इस वक्त उदयपुर में बड़ी कार्रवाई चल रही है और बताया जा रहा है कि एक कन्वर्जन की एनओसी जारी करने की एवज में 12 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके अंदर दलाल लोकेश को एसीबी ने उदयपुर में दबोचा। करीब 12 लाख रुपए की रिश्वत उसके जो डमी नोट के जरिए जो दी गई थी वो बरामद की है और बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए की जो असली करेंसी थी उसके अलावा 7 लाख रुपए डब में रिश्वत की कुल जो 12 लाख की जो रकम है वो दलाल लोकेश को दी गई थी, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। लोकेश से पूछा जा रही है और बताया जा रहा है कि जयपुर में बैठे मौजूद यूडीएच के दो अफसरों को रिश्वत की रकम दलाल लोकेश के मार्फत भेजी जानी थी। जी बिल्कुल। और विष्णु, अब क्योंकि पूरे मामले पर जांच की जाएगी तो और भी खुलासे भी संभव हैं, लेकिन आपके साथ बने रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, एटीएस जयपुर की कोटा में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ग्रामीण में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एटीएस ने जिले में दो जगहों पर सटोरियों को पकड़ा है। कोटा ग्रामीण में मंडाना में 4 सटोरियों को पकड़ा गया है। चारों सटोरियों से 195 करोड़ रुपए का हिसाब बरामद हुआ है। सहयोगी विष्णु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, एक बहुत बड़ा अमाउंट, 195 करोड़, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? फिलहाल बताया जा रहा है कुछ लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। देखिए बिल्कुल, ऐसा एटीएस जयपुर की एक बड़ी कार्रवाई कोटा जिले में अंजाम दी गई है, जहां पर आईपीएल मैच पर जो क्रिकेट जो सट्टा लगाने वाले करीब आधा दर्जन, एक दर्जन से ज्यादा सटोरियों को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। इनमें पहली कार्रवाई कोटा ग्रामीण जिले में एक मंडना में की गई, जहां पर 4 सटोरियों को पकड़ा, उनके कब्जे से 23 मोबाइल फोन बरामद किए। वहीं पर आईपीएल 2023 में अब तक खेले गए मैचों पर करीब जो 195 करोड़ सट्टे के जो बड़ी रकम जो है जो हिसाब है वो एटीएस को बरामद हुआ है। वहीं पर एटीएस की दूसरी कार्रवाई कोटा शहर में ही एक अपार्टमेंट में की गई, जहां नानता जो शहर है वहां कस्बे में की गई है, जहां से एटीएस ने 5 सटोरियों को पकड़ा है और उनके कब्जे से 38 मोबाइल फोन बरामद किए। उसके अलावा लैपटॉप बरामद किए और मालूम चला कि करीब 300 करोड़ का हिसाब जो है इस वक्त आईपीएल मैचों के अंदर वो बरामद एटीएस ने किया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर विष्णु, एक बहुत बड़ी कार्रवाई एटीएस की ओर से, आप इस पर भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर महिला ने सूदखोर से तंग आकर सुसाइड कर लिया। महिला के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में सूदखोर पर रेप का आरोप भी लगाया गया है। खेड़ली थाने में इसे लेकर परिजनों ने शिकायत दर्ज करा दी है। बेटी और पति को जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। काम पे जा रहे घेर लियो, तुम काम पे चलाऊंगा, चलो तुम बात के क्यों वैसे लड़ते रहे वो हमारे परिवार में शादी जो तुम घर में जा रहे हैं उनसे मिले हैं। तुम्हारे घर पर आता जाता रहता था क्या? हाँ, और रोजाना लड़ाई करता था। तो सूदखोर से परेशान होकर तंग आकर महिला ने सुसाइड कर लिया और बड़ा आरोप लगाया गया है कि सुसाइड से पहले महिला का रेप हुआ था, जिससे तंग आकर महिला ने सुसाइड कर लिया। घर वालों को लगातार ये प्रताड़ित करता था और जान से मारने की भी धमकी दी जा रही थी। राजेंद्र शर्मा सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, प्रताड़ना इतनी ज्यादा कि महिला को आत्महत्या करनी पड़ गई, अब क्या कह रही है पुलिस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि शिकायत दर्ज कराई गई है और कई गंभीर आरोप लगे हैं सूदखोर पर? जी, इस पूरे मामले पर खेड़ली थाना पुलिस है, वहां अभी FIR दर्ज होने की कार्रवाई है, वो चल रही है। मृतका का जो है वो पोस्टमार्टम
करवाने के, क्योंकि मामला काफी गंभीर था। परिजनों के द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और अब परिजनों के द्वारा जो लिखित रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट को दर्ज खेरली थाने में किया। कुछ देर पहले ही मेरी बात हुई तो उन्होंने कराई कि जो दर्ज करने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। एसपी से बात हुई, एसपी ने कहा है कि जो परिजनों ने रिपोर्ट दी है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और सुसाइड नोट जो बरामद किया। जरूरी भी है कि इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मणिपुर में फंसे छात्रों को वापस जयपुर लाया गया है। पहली फ्लाइट में 26 स्टूडेंट को जयपुर लाया गया है। कोलकाता से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे 26 स्टूडेंट्स और अब दूसरी फ्लाइट से 25 स्टूडेंट को दोबारा से जयपुर लाया जाएगा। तो सभी को पहले कोलकाता पहुंचाया गया था और अब वहां से सीधे फ्लाइट जयपुर के लिए पहुंच चुकी है। 26 स्टूडेंट्स इस वक्त जयपुर पहुंच चुके हैं। गहलोत सरकार ने दो विशेष उड़ानों की व्यवस्था की थी और लगातार इन विशेष विमानों के जरिए मणिपुर में फंसे छात्रों को वापस राजस्थान लाया जा रहा है। बिजानिया, मैं जेनिम्स इम्फाल की स्टूडेंट हूँ। हम अभी जेनिम्स, रिम्स एंड मल्टीपल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इधर सेफ एंड साउंड खड़े हैं। थैंक्स टू राजस्थान गवर्नमेंट, मिस्टर धीरज सर, मिस्टर रतन सर एंड अशोक सर की, वो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। बहुत शेड्यूल्ड एंड बहुत अच्छा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जिसकी वजह से हम बहुत सेफली कोलकाता आ गए हैं। अब आगे भी हमें हमारे होम टाउन तक बहुत अच्छे से ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और खबर झुंझुनू से है। जिले के मंडावा से कांग्रेस विधायक रीटा चौधरी ने पिछले दिनों सांसद नरेंद्र कुमार सट्टेबाज बताया था, जिसके बाद सांसद नरेंद्र कुमार ने विधायक रीटा चौधरी पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि रीटा चौधरी को ये सोचना चाहिए कि जब उन्होंने सांसद बनने के बाद सीट खाली करी तब उन्हें फिर से विधायक बनने का मौका मिला था। एक विधायक होकर एक सांसद के लिए इस तरह की बात करना निंदनीय है। लांछन लगाना बहुत बड़ी बात है और विधायक पद पर रहते हुए इस तरह की बात बोलना और वो सांसद के लिए, उनको तो खुद को सोचना चाहिए मैंने खाली सीट करी तब जाकर के उनको मौका मिला था। और मेरे हिसाब से ये भोग लाटसी है क्योंकि वहाँ हम गौर के अंदर वो जनता ही कर रही है कि उन पुलिस बुलाई है, जनता के ऊपर पुलिस बुलाते हैं। अब जनता तो देखो अच्छा बुरा कुछ भी सुनती है तो कह सकती है, अपने भले के लिए कहती है, कोई वो भी उनमें बुरा कहते हैं, हमें तो सुनना पड़ता है। नाजायज बात किसी को नहीं कहनी चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे।